आज मेरे साथ हैं अशोकनगर के ऊर्जावान और सक्रिय विधायक जसपाल सिंह जज जी। युवाओं के लिए ये बड़े हस्ताक्षर हैं। हाल ही में इन्होंने प्रचार क्लब के तत्वावधान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं और भी बहुत सारी बातें। हाल ही में 19 अगस्त को आपने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बड़ा सा कार्यक्रम का आयोजन किया, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? दरअसल पिछले 3 माह जो कोरोना का प्रकोप रहा, उस समय खुद में प्रत्यक्ष रूप से मैंने सब कुछ देखा। वहाँ पे हॉस्पिटल्स में और अन्य जगह जहाँ भी लोग कोरोना वायरस के रूप में सेवाएं दे रहे थे, तो बहुत भयावह मंजर था वो। और उस समय मैंने देखा कि कई परिजन जिनके परिवार का कोई सदस्य इस बीमारी से पीड़ित है, वो उससे नज़दीक जाने में डर रहे थे। कई ऐसे वहाँ पे मैंने दृश्य देखे कि परिवार, पति बीमार है और पत्नी उसके पास नहीं आ रही, पिता बीमार है तो पुत्र पास नहीं आ रहा, पुत्र बीमार है पिता पास नहीं आ रहा, और हॉस्पिटल तक छोड़ने वो बड़ा साहस करके आ रहे हैं जैसे ही पॉजिटिव पता लगता है। लेकिन मैंने देखा चाहे वार्ड बॉय हो हॉस्पिटल का, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, या जो भी स्टाफ उसमें काम कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल भी अपने जीवन की परवाह नहीं की। और जो हम लोगों ने शब्दों में सुना था कि मानव सेवा क्या होती है, वो वहाँ प्रत्यक्ष देखा मैंने कि ये मानव सेवा है। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग आए दिन ऐसे आयोजन भी होते हैं, हम लोगों का सम्मान भी करते हैं, तो मुझे लगा कि असली सम्मान के हकदार ये स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, जिन लोगों ने भी, या जो समाज सेवी संस्थान जिन्होंने अपनी जान जो जोखिम में डाल के मानवता की सेवा की है, तो असली सम्मान के हकदार हों तो उनका सम्मान होना चाहिए। और जो मेरे सभी मित्र सहमत थे, प्रचार ग्रुप के सभी साथी, बिल्कुल हम लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो इसी भाव के साथ, क्योंकि दिल से एक ऐसा मेरे था ये भाव कि ये हमें करना है, उसी का एक तरह से जो हमने प्रयास किया कि हालांकि मैं समझता हूँ कि जो उन लोगों ने किया है, जो आज हमारे देश के बॉर्डर पे सैनिक जो करते हैं, अपनी जान की कुर्बानियाँ देते हैं, तो इन लोगों के लिए सम्मान जैसा शब्द बहुत छोटा है। और मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई इतना बड़ा कोई शब्द बना हो जो उनके उस कर्तव्य या उन जो वो जो कर रहे हैं तो उसको सम्मान के रूप में। लेकिन हाँ, हम हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो जो एक है हमको मन में लगा वो। कल के कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के सांसद के पी यादव नज़र नहीं आए कोई खास वजह, जबकि मंत्री जी भी उनके यहाँ पे गए थे और विजेंद्र यादव जो अपने अशोकनगर के मंत्री रहे कोरोना के टाइम पर, उनको प्रभार था उनके पास में, लेकिन वहाँ पर कार्यक्रम में नज़र नहीं आया। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं, वजह इसके पीछे कोई नहीं थी, क्योंकि ये एक संगठन है, सामाजिक संस्था है प्रचार क्लब, तो उसमें ये जानकारी जो हम मेंबर्स थे जिन लोगों ने ये सारा प्लान किया, और मुझे भी जानकारी थी कि शायद संसद के चलते सांसद जी सैटरडे संडे के अलावा पूरा वीक वहाँ दिल्ली में रहते हैं, तो वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाएंगे उस दिन। तो इसके पीछे और कोई मंशा नहीं थी ऐसी, बाद में जैसे पता चला तो हम लोगों ने उनको खबर करवाई थी, पत्र भेजा था, लेकिन शायद वो उनके व्यक्ति कोई कारण रहेंगे उस वजह से नहीं आए। लेकिन उसके पीछे कोई और इसके अलावा कोई मंशा ना है और ना कभी ऐसी मंशा रही। वो हमारे साथ ही और हमारे तो पूर्व से हमेशा से मित्र हैं, पारिवारिक संबंधी हैं, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ठीक है, दुनियादारी है तो लोग उसमें कुछ चीज़ ढूंढें, पुलिस वाले ढूंढें, तो ये उनका काम है, लेकिन इस तरह कोई मंशा नहीं रही। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी किल्लत ऑक्सीजन की हुई, दवाइयों की हुई, लोग भारी परेशान हुए, आपने भी बहुत मेहनत की, प्रयास किए। अब तीसरी लहर अगर आती है इसमें, जैसा कि हमें अंदेशा लग रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? तीसरी लहर, हालांकि हम ईश्वर से तो प्रार्थना लगातार कर ही रहे हैं कि प्रभु दोबारा से हमें कभी वो मंजर ना देखना पड़े, तीसरी लहर से इस दुनिया को बचाएं। और मेरा तो विश्वास भी है कि ऐसा मैं नहीं समझता कब हो, तो लेकिन फिर भी अगर चूँकि तैयारी रखना हमारा काम है, तो उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट की जहाँ बात है, तो प्लांट एक गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन हुआ था, दूसरा हमारे नेता श्रीमान सिंधिया जी ने उनके प्रभाव से
किसी सोशल संस्था से जो कराया था, बड़ा प्लांट है, तो लगभग बन के तैयार केवल मशीनरी, तो भी उन्होंने उनका कहना कि एक आध हफ्ते में हम भेज रहे हैं और अगले 15 दिन में मुझे उम्मीद है कि वो सब आ गए तो वो निश्चित रूप से चालू हो जाएगा। उसके लिए जो सिविल वर्क होना, तो उसके लिए मैंने खुद ने लगभग 10 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दिए, तो वो सारा काम भी करा दिया है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो मुझे उम्मीद है अगले 15 दिन में आवश्यक रूप से वो चालू हो जाना चाहिए। और इसी तरह सीटी स्कैन की भी आवश्यकता क्योंकि ज़्यादा महसूस की गई थी उस कोरोना काल में, तो सीटी स्कैन भी राज्य शासन ने तत्काल स्वीकृत की थी उस समय। तो चूँकि वो जर्मनी से आना थी तो आ चुकी है, बेंगलोर बोर्ड पे आ गई है। और जो फर्स्ट अभी केवल 30 के ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने दिए थे, लेकिन सीटी स्कैन मिल नहीं पा रही, उपलब्धता उनकी बहुत कम है देश दुनिया में, तो उस वजह से डिले हो रही है। लेकिन जो फर्स्ट 4 सीटी स्कैन अभी डिलीवर्ड हुई है कंपनी को जर्मनी से, तो उन 4 में एक अशोक नगर की है। और अगले आज ही मेरी बात हुई सुबह, तो अगले 15 दिन में अशोक नगर में निश्चित रूप से सीटी स्कैन पहुंच जाएगी, बाकी सारी तैयारियाँ उसकी हुई। इसके अलावा और जो भी वार्ड उन्नयन की बात है, डॉक्टर्स मानसिक रूप से सब तैयार हैं। यदि ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि जो पिछली बार परेशानी आई वो अब आ पाएंगे। अशोक नगर में, मध्य प्रदेश में और देश में बेरोजगारी सभी चरम पर है। अशोक नगर में कोई भी उद्योग आज तक व्यवस्थित रूप से नहीं खुल पाया है। इस मामले में आपने विकास के बारे में, उद्योगों के विकास के बारे में कोई अगर योजना तैयार की है तो बताएं। दरअसल जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, ये तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में, इसका तो मैं तो नहीं समझता, चूँकि मैं बिल्कुल स्पष्ट जो बात कर रहा हूँ इसका कोई बहुत बड़ा हल हो पाए, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में मैं नहीं समझता कि कभी आपको रोज़गार मिल पाए। उसके लिए थोड़ा सा हमारे देश में दो चीज़ें हैं। एक तो मानसिकता ये बन गई है कि आदमी खुद का कोई काम शुरू करने की जगह ये कि कहीं दूर मुझे कहीं जॉब मिल जाए, किसी गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए, किसी बड़ी फैक्ट्री में जॉब मिल जाए, जबकि अन्य देशों में जहाँ बेरोजगारी की दर कम है वहाँ पे वो खुद का रोज़गार स्थापित कर रहे हैं ज़्यादा युवा रोज़गार। तो वो जब तक हमारे यहाँ ये मानसिकता नहीं बनेगी युवा की कि उसे खुद का रोज़गार शुरू करना है, वो और हमेशा छोटे स्तर से भी हो सकता है। तो और यही चूँकि उसके बाद ही प्रयास लगातार सरकारें करती हैं और हम लोगों की ड्यूटी है कि प्रयास करें कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपने क्षेत्र में रोज़गारों का सृजन कर सकें। तो उसके लिए लगातार माननीय सिंधिया जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया कि क्योंकि अशोकनगर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि से संबंधित कोई उद्योग आवश्यक रूप से हमारे ज़िले में आप स्थापित कराएं। और हालांकि उन्होंने इसके लिए मुझसे कहा कि ठीक हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें होती हैं, या अन्य भी कोई उद्योग स्थापित करें, तो यदि उद्योगपति कोई आकर उद्योग स्थापित करेगा तो वो चूँकि खुद का व्यापार के लिए यहाँ आता है, तो यदि उसको लगता है कि यहाँ पे वो जो उद्योग स्थापित करना चाह रहे, ऐसा नहीं है, सिंधिया जी ने कई बार ऐसे उद्योगपतियों से उन्होंने तो कहा भी और उन्होंने आपने सर्वे भी कराए, लेकिन उनको लगा कि उनका जो काम है वो यहाँ पे उस उनके लिए स्थापित वो नहीं हो पा रहा ठीक से। कई जैसे अभी किसानों के लिए रावगढ़ में गन्ना मिल स्थापित हुई, लेकिन हमारे यहाँ उतना गन्ने के उत्पादन नहीं है, तो चूँकि वो बंद हो गई। और हुआ ये कि जिन लोगों ने वहाँ दे दिया तो वो उनका पेमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि उनका स्थापना व्यय में खर्च हो गया जो उनको हुआ था, तो ये समस्याएं रहती हैं, लेकिन हमारा प्रयास है। और उसके अलावा मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कृषि महाविद्यालय के लिए, तो मुझे लगता है उससे जो अगर कृषि महाविद्यालय स्थापित होता है तो हमारा कृषि विधान क्षेत्र है, तो जो युवा कृषि विज्ञान में यदि मैं समझता हूँ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो कृषि की तरफ अग्रसर होंगे। और आजकल कृषि में बहुत संभावनाएं इसलिए हैं कि यदि आप नई तकनीक के साथ खेती करें, नए नए तरीके ईजाद रोज हो रहे हैं कृषि विज्ञान के माध्यम से, और हमने देखा है कई लोग छोटे छोटे किसान जो तकनीकी पद्धति से कृषि कर रहे हैं तो उनकी आमदनी वो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ यदि किसान उस तरफ, यदि युवा यहाँ के किसानों के बच्चे कृषि विज्ञान शिक्षा ग्रहण करें, मुझे लगता हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण मेरा प्रयास लगातार है। हालाँकि मैं जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने बात की अभी माननीय श्रीमान महाराज से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है
तो रिक्वायरमेंट में उसमें 300 बेडेड हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, तो उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, तो उन्होंने मुझे श्योर किया था कि मैं बिल्कुल 300 बेडेड हॉस्पिटल आप कर देंगे, और मुझे लगता है आदेश हो जाएंगे। लेकिन बीच में कोरोना काल ने बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित कर दी, ये हम सब समझ रहे हैं, तो उस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और बाकी रोजगार और जो भी क्षेत्र होंगे प्रयास में लगातार। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है मेरा, अभी चयनित शिक्षकों के ऊपर लाठियां भाजी गई भोपाल में, उन्होंने लगभग 2 साल में 11 आंदोलन किए, उनके बारे में सरकार क्यों कुछ नहीं सोचती और क्या कहाँ तक उचित है ये सब किया जाए? नहीं, उसके लिए भी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया, चर्चा भी, सहानुभूतिपूर्वक उस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन अब ये राजनीतिक कारण नहीं है इसके पीछे कोई भी, क्योंकि सरकार चाहे किसी भी दल की रहे तो कुछ सरकारों की मजबूरियां कहें या कोई, वर्तमान में तो मैं समझता हूँ कोरोना ने तहस नहस करके कर दी, रख दी अर्थव्यवस्था देश के साथ साथ प्रदेश की भी, तो कुछ मैं समझता हूँ समस्याएं रही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और छोटी सी छोटी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता वो इस पर चिंतन ना कर रहे हो। लेकिन मैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेंगे और उनके जो भी मांग हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये थोड़े हालात बदलते हैं मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पक्ष में कोई ना कोई निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 250 से ज़्यादा जगह पर जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही, इसमें काफ़ी भीड़भाड़ देखी जा रही है। एक तरफ आशीर्वाद यात्राओं में काफ़ी भीड़, दूसरी तरफ गुना में से यात्रा निकाली गई उसमें धारा 144 को उल्लंघन में लगभग 80 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ये दोहरी नीति कहाँ तक उचित है? देखिए, ये हर जगह जिला प्रशासन वहाँ कैसे महसूस कर रहा है जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन क्या निर्णय ले रहा है। 144 धारा लगाना ये शुद्ध रूप से जिला प्रशासन का निर्णय होता है, इसमें प्रदेश सरकार या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। तो अगर धारा 144 है तो वहाँ पे क्या हालात रहे, तो ये तो स्थानीय प्रशासन इस पे कोई भी जवाब दे सकता है, या स्थानीय प्रशासन किन परिस्थितियों में उसे ऐसा करना पड़ा, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना आपने बनाई है, शहर के विकास में भी वो बड़ी योजना है, और पचार पार्क का जो निर्माण हो रहा है, जो वहाँ पर तुलसी सरोवर के किनारे बड़ा था आपने प्रोजेक्ट तैयार किया, ये कब तक तैयार होकर आ जाएगा और क्या इसकी प्लान है? दरअसल में जो वो पूरा प्रोजेक्ट है तो उसमें अब जैसे अभी हम जितना काम कर पा रहे हैं लगातार कर रहे हैं, तो चूँकि तालाब है तो उसमें एक तो अब जैसे बारिश में हमें पता था कि अगले 4 महीने से 6 महीने तक उसमें कोई काम हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जो पहले बाउंड्री वाल बनाई है जो बॉल, तो उसके बाहर अब चूँकि पानी नहीं आ पा रहा तो उसमें वो काम हम सब कर रहे हैं जल्दी जल्दी, लेकिन वो कम्प्लीट होने में मुझे लगता है अभी बारिश के बाद उसमें फिर दोबारा से काम होना है तालाब के अंदर, तो अभी 1 साल लगेगा उसमें, लेकिन 1 साल बाद शहर के लोगों को बहुत एक सुंदर जगह अशोकनगर में मिलेगी। तो ये थे अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। इसी तरह की नामचीन हस्तियों के साथ हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए ब्रदवासी, मैं हूं जितेंद्र कोठारी, नमस्कार।